हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद शास्त्री आपको अपने चैनल डॉक्टर स्लेम में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैन फोर्स टैबलेट के बारे में जानेंगे कि मैन फोर्स का उपयोग क्या है, मैन फोर्स टैबलेट लेने का सही तरीका क्या है, मैन फोर्स का डोज क्या है और इसे अत्यधिक मात्रा में लेने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैन फोर्स क्या है। मैं बता दूं, मैन फोर्स में जो टैबलेट में जो इंग्रेडिएंट है यानी जो मॉलिक्यूल है वो सिलडेना है और मैन फोर्स का उपयोग मूलतः नपुंसकता शीघ्र पतन के इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन इन दिनों आजकल के लोग मैन फोर्स का उपयोग सेक्स में अपने आनंद को दुगना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम जानेंगे कि इसका आइडियल डोज क्या है, यानी इसको कैसे लेना चाहिए, इसका डोज कितना हो सकता है। ऐसे तो इसका डोज जब भी आप लें अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लें, लेकिन इसका आइडियल डोज जो है वो 25 mg से 50 mg के बीच में OD यानी एक टैबलेट आप डेली ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप लेते हैं तो आपके सेहत को नुकसान भी हो सकता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अत्यधिक मात्रा में लेने से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हम जानेंगे कि इसके लेने का सही तरीका क्या है, यानी इसको कब लेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसको लेने का तरीका क्या है। यदि आप सेक्स में आनंद के लिए इस दवा को लेना चाहते हैं तो आप इसे सेक्स करने से एक घंटे पहले, कम से कम एक घंटे पहले दूध के साथ लें, ताकि दवा का असर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकें। इस दवा का जितना फायदा है उतने ही इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि सर दर्द। जब आप दवा लेंगे तो महसूस करेंगे कभी कभी सर दर्द हो रहा हो, थकान, आपको थकान महसूस हो सकता है, मांसपेशियों में जकड़न हो सकता है, किसी किसी समय किसी किसी कंडीशन में नाक से ब्लड भी आ सकता है, जिसे आप लोग नाकसीर बोलते हैं, नाकसीर भी हो सकता है, यानी दुर्लभ मामलों में आपको बेहोशी का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि प्रयागराज की घटना है कि एक लड़के को शादी के कुछ दिन बाद ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि वो अत्यधिक मात्रा में सिलडेना पिल का प्रयोग कर रहा था। आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मेन रीजन ये था कि यदि आप इस दवा का ज़्यादा सेवन करते हैं, 100 mg से भी ज़्यादा सेवन रोज़ करते हैं, डेली करते हैं, कभी कभार करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका उपयोग आप डेली कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको नपुंसकता हो सकती है, यानी आप नपुंसक हो सकते हैं, फिर आपका लिंग जो है काम नहीं करेगा, आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, इसलिए इसे रेगुलर लेने से बचना चाहिए। अब इस विषय पर या इस टैबलेट पर आपका क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल डॉक्टर्स लैब को सब्सक्राइब करें।